फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हरिताली का तीज है, तो आज का अपन का यही व्लॉग रहने वाला है। वैसे आज हम लोग बहुत लेट निकले हैं घर से फूल तोड़ने के लिए। क्या बड़ा वाला घंटी फूल? तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पास फूल तोड़ने आए थे 2 बजे के आसपास दिन में, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत लेट हो गए थे। बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई थी, तो भैया जी दौड़ते दौड़ते आ रहे थे वहाँ से, और हम लोग फूल तोड़ लिए थे। तो फिर घर आए, यहाँ पास हम लोग सब कोई माला वाला बना रहे हैं। यहाँ मम्मा जी, हम, प्राची लोग मिलके माला बनाए हैं, और अभी 1-2 माला रेडी हो गए। यहाँ पास सब कोई तैयार होके आ गए। ये हमारी मौसी जी, मामी जी लोग हैं, और ये हमारे घर की प्यारी सी बच्ची सताक्षी हैं, जो कि हमारी मौसी जी की बेटी हैं। और यहाँ पास मौसी जी लोग सब कोई प्यारे प्यारे तैयार होके आ गए, लेकिन अभी तक हमारी मम्मा जी तैयार नहीं हुई हैं। और यहाँ पास मम्मा जी जो है यहाँ पूरा सजवा रही थी, कि बता रही थी कैसे क्या रखना है पूजा का सामान। तो मम्मा जी तो सजा रही थी, बस पूजा का सामान समेटना था। और देख लीजिए, यहाँ पास मूर्ति रख दिए हैं, बस पूजा करना बाकी है। फिर यहाँ पास मौसी जी लोग और मामी जी लोग दिया जलाती हैं, और मम्मा जी यहाँ कथा पढ़ने आ जाती हैं बहुत देर बाद, क्योंकि मम्मा जी सारा काम करवा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास मम्मा जी कथा पढ़ रही थी, तो मौसी जी, मामी जी लोग सब कोई बैठे थे, और हम वीडियो बना रहे थे, तो सब कोई हमारे वजह से हंस रहे थे। और यहाँ पास मम्मा जी कथा पढ़ रही हैं, पूजा का पूरा सामान वामान चढ़ चुका है, और भगवान जी बहुत ही प्यारे दिख रहे थे। शिव जी, पार्वती जी की हम लोग मूर्ति लेके आए थे इधर, वरना हर बार हम लोग मूर्ति बनाते हैं, इधर तबीयत खराब थे तो कुछ कर नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास अभी सारा पूजा उजा कंप्लीट हो गया, मम्मा जी लोग सब पूजा कर ली हैं, और ये हमारे घर के प्यारे से भगवान जी हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पास सब कोई भजन के लिए आ गए थे, नानी जी, मामी जी लोग, अगल बगल के पड़ोस वाले सब कोई आए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पास सुबह की आरती के बाद हम सब कोई जा रहे हैं विसर्जन करने। वैसे हम चारों भाई बहन ही जा रहे हैं इधर, और वैसे हम ही लोग जाते हैं, मम्मा जी लोग ज़्यादा नहीं जाती हैं, क्योंकि दूर पड़ जाता है ना यहाँ तक आने में, इसलिए। और यहाँ पास आपको रोड एकदम प्यारी प्यारी, सुबह सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बारिश का मौसम किया हुआ था। और यहाँ पास दूर दूर से आंटियाँ लोग, जिनके घर शायद पास में, वो सब आ रही थी माता, मतलब भगवान जी का विसर्जन करने, जो रात में पूजा हुआ है। और यहाँ पास आप शिव मंदिर देख सकते हैं, मुन्ना नदी के जस्ट बगल में बना है। पानी टंकी को जो था वो शिव जी का वो शिवलिंग बना दिए थे, लेकिन इस बार हम लोग मुन्ना नदी में नहीं करके उसी के अंदर में एक और मुन्ना नदी है, मुन्ना नदी का ही पानी आया, तो हम लोग यहाँ पास आके इस बार विसर्जन कर रहे हैं। और भैया जी विसर्जन करने जा रहे थे, लेकिन हम नीचे विसर्जन करने नहीं गए थे, क्योंकि हम भैया जी को बोले हो गया आप नीचे चले जाइए, हम ऊपर से वीडियो बना लेते हैं। तो प्राची और आर्यन जो थे वो भैया जी के पीछे पीछे चले गए थे मना करने के बाद भी। और यहाँ पास भैया जी सोच रहे हैं वो पाइप पे कैसे चढ़े, तो भैया जी को उधर से रास्ता दिखा, फिर भैया जी वहाँ से चढ़ रहे थे। हम सोच रहे थे कि इसे अगर वहाँ से जंप मार के पाइप पे पैर रखेंगे तो काई पानी का काई साइड साइड में है तो गिरे तो फिर हो गया, पूरा मूर्ति भी इधर उधर फेंका जाएगा, चोट लगेगा सो अलग। तो इस वजह से फिर हम वहाँ झाड़ी में पैर रख के फिर आ गए, इस पे चढ़ गए। फिर भी डर लग रहा था जो कहीं स्लिप ना पैर हो जाए तो। और यहाँ पास भैया जी प्रसाद निकाल के प्राची और आर्यन को दे रहे थे, दोनों भाई बहन इस प्रसाद लेने, हाँ दोनों भाई बहन प्रसाद लेने के लिए नीचे गए थे, और आर्यन का भी दिल बाहर आ गया था, क्योंकि अकेला देखिए अब हम कैसे केला बंदर के जैसे खा रहे हैं।
का व्लॉग। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।